संतोषी माता के मंदिर के दर्शन करके आए हैं और अब हम अपने घर के लिए वापस निकल रहे हैं। कल से यहाँ पर घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, अब टूर पूरा करके वापस निकल रहे हैं। रुक जाओ, अच्छा हो तुम बेटा, कल जाना है ना, ऑफिस जाना है, कल रुक नहीं पाएंगे। फिर भी रुक जाओ, छुट्टी कर लेना कल बेटा। छुट्टी नहीं हो सकती, छुट्टी करना ही तो मुश्किल है, बस छुट्टी नहीं हो सकती। चलो फिर आएंगे लैंस डाउन पर, अभी बाय कहते हैं, फिर मिलेंगे लैंस डाउन से, फिर आएंगे। हेलो भाई, कहाँ जा रहे हैं हम? घर। घर जा रहे हैं। जाने का मन नहीं कर रहा। जाना जरूरी है पापा। ना बेटा, कल ऑफिस जाना है ना, बैक टू पवेलियन। एक दिन के और कर लो। बैक टू पवेलियन नहीं हो पाएगी यार, बैक टू होम पाएगी पापा? हाँ बेटा, छुट्टी नहीं हो पाएगी, एक दिन की भी नहीं। अब नहीं हो पाएगी बेटा, फिर आएंगे ना दोबारा। बात तो आपकी है, बच्चों को तो बहुत ही कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बहुत परेशान हूँ इस वजह से, हो रहा है कि घर जाएंगे, चार दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, वहाँ जाना पड़ेगा पापा मुझे। अब पे देख लो, अब पे टाइम है लैंस डाउन के लिए, बस यही टाइम है। ये चीज से हो रही परेशानी वापस जाने से? मुझे आपके पापा बहुत होंगे जो शायद परेशान। पापा अब भी टाइम है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा लैंस डाउन, बहुत अच्छा लगा। बच्चों का मन नहीं है कर रहा जाने के लिए, ये तो यूँ कह रहे हैं एक हफ्ते बाद जाना बेटा। एक हफ्ते में, एक हफ्ते में कौन सा कुछ होएगा पापा? एक हफ्ते में कौन सा कुछ हो जाएगा? एक हफ्ते में मन तो एक हफ्ते बाद भी नहीं करेगा वापस आने के लिए। एक हफ्ते बाद भी एक हफ्ते के लिए कहेंगे, उसके एक हफ्ते बाद भी एक हफ्ते के लिए कहेंगे, उसके एक हफ्ते बाद भी एक हफ्ते के लिए कहेंगे। तो 15 दिन बाद चलेंगे, फिर भी ये कहेंगे हफ्ते बाद चलेंगे। तो यहीं पे फ्लैट ले ले, यहाँ पे फ्लैट ले ले, ले लो। तुम्हारा आइडिया अच्छा है, ये सबसे अच्छा आइडिया तो यही है। जैसे हम पहाड़ों के लिए हर टाइम वो रहते हैं ना, एक्साइट लालायित, पहाड़ों के लिए मन करता रहता है। चलो यहाँ झाड़ियों में कुछ हलचल से लग रही है, उतर के इन्हें देखते हैं क्या है। यहाँ पर झाड़ियाँ हिल रही हैं। ये नजीबाबाद के पास कोई जगह है, ये कोई सूखी हुई नहर या नदी टाइप है छोटी सी। ओ वाओ, स्पॉटेड डियर कितने बड़े साइज का है। रास्ते में हिरन मिले, हिरन स्पॉटेड डियर, पूरा झुंड है इनका, बहुत सारे हैं पीछे तक। मुझे लग रहा है अगर इनका काउंट करो तो कम से कम ये 20-25 से भी ज़्यादा हैं, काफ़ी पीछे तक है इनका झुंड। यहाँ पर जंगली मुर्गे की भी आवाज़ आ रही है, ये हिरन भी एकदम भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है शायद कोई यहाँ पर जंगली जानवर तो नहीं है, यहाँ पर जंगली जानवर की कॉल तो नहीं है कोई यहाँ पर। ये आपने क्या क्या ऑर्डर किया? मैं तो वेज नूडल्स और चिकन दी। वेज नूडल्स और चिकन दी। मैंने क्या लिया है? मैंने 300 रुपये लूँगा चाय के लिए, नूडल्स और चिकन दी। उन्होंने क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है, चीज आ रही है। तो अगर चिकन दी पियोगे, चाय पियोगे तो उसका ठीक हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर आ गया है, चिकन दी आ गई है, हमारी चाय भी आ गई है।
थोड़ी देर के लिए दामपुर में रुक गए, दामपुर में मसाला चाप लिए, काफी टेस्टी है। ये देखो आगे चाप हमारी ये रही। वंश कैसी लग रही है बेटा? बहुत ज्यादा अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है बेटा? बढ़िया लग रही है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है, स्पाइसी है, बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी खा लो, टेस्ट तो कर लो। नहीं, मैं इस चीज़ नहीं खाती। ये तो अच्छी चीज होती है। मुझे अच्छी नहीं लगती। मम्मी यहाँ कूड़ा करकट नहीं खाती। फ्रेंड्स, लेंस डाउन का ये फाइनल व्लॉग था। आई होप आपने हमारे साथ लेंस डाउन को काफी एंजॉय किया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।